वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुजरात थेमिस बायोसिन एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन फार्मा स्टॉक्स। आज देखा जाए तो फार्मा स्टॉक्स आज के जैसे मार्केट में भी थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, कुछ फार्मा स्टॉक्स ग्रीन में दिख रहे हैं और बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो या मिड कैप स्मॉल कैप सभी टूट रहे और बड़े स्टॉक्स भी टूट ही रहे हैं। तो गुजरात थेमिस बायोसिन देखिए, ये मैंने पिछले साल 1 सितंबर को दिया था और उसके बाद आज ऑलमोस्ट 13-14 महीने हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो लेवल्स पे दिया था वहां से तो जबरदस्त चला ही और अब वापस से ऊपर का जो लेवल्स है 700 रुपए के लेवल्स तक ये गया, वहां से करेक्ट हुआ है। बट कंसिस्टेंटली ये कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आ रही है और उससे भी इंपॉर्टेंटली मैं एक बार कंपनी की पेडिग्री के बारे में, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, प्रमोटर बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूंगा। आप देखिए, ये कंपनी 1981 में जॉइंट सेक्टर कंपनी के हिसाब से स्टार्ट हुई थी और GIIC मतलब गुजरात इंडस्ट्रियल और केमोसिन प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद ये 1991 में ये टेकन ओवर हुआ भाई PVG ग्रुप, और उसके बाद एक ये 5 कंपनीज का आप कंसोर्टियम है, मतलब 5 कंपीटिंग ड्रग कंपनीज बोल लीजिए आप, थेमिस मेडिकेयर, कोप्रान जिसको मैंने जेम के स्टॉक में भी रिकमेंड किया हुआ, अनंत एंड कंपनी, कैडिला और लाइका लैब्स। तो ये कंपनीज 5 कंपनीज है जिसका कंसोर्टियम है ये, और आज भी ये बहुत बढ़िया टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन युआन कॉर्पोरेशन साउथ अफ्रीका की, उनसे टेक्निकल नोहाउ लिया। और कंपनी का एक और चीज मैं बता दूं, बहुत बड़ा अचीवमेंट, कंपनी पहली कंपनी है इंडिया की जो कमर्शियल प्रोडक्शन एंटी ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी का एक ड्रग होता है रिफैम्पिसिन, वो बनाई हुई है। तो इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन वाली कंपनी है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो आप देखिए 19 के पी मल्टीपल पे है, लास्ट ईयर जब दिया था तब तो खाली 10 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम करता था, बट अब धीरे धीरे चर्चित स्टॉक हो गया है, काफी लोगों ने और भी रेकमेंड किया है अपने चैनल पे। और 67 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 53 का रिटर्न ऑन इक्विटी और 32-33% की सेल्स की ग्रोथ है पिछले 3 साल की, प्रॉफिट की कैगर 98% की, ओपीएम मार्जिन 47%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 33%। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का स्टॉक है ये। और आप देखिए सेल्स में और प्रॉफिट में जो कैगर है वो तो है ही अच्छा, और पिछले दिसंबर में ये 11 करोड़ के पैट में था और जब मैं लास्ट जब रेकमेंड किया था सितंबर में तब मैंने जून के रिजल्ट्स देखे तब 6 करोड़ का ही पैट हुआ करता था और 2-3 करोड़ कमाती थी कंपनी। और अब जून के क्वार्टर में लास्ट ईयर जून मतलब 2021 में लास्ट जून में 13 करोड़ का पैट था और इस सितंबर में 14 करोड़ का पैट है। तो लास्ट सितंबर 20 में 11 करोड़ के पैट के सामने 14 करोड़ का पैट, सो ओवरऑल टीटीएम बेसिस में हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट से बैठी है, 40 करोड़ का प्रॉफिट है टीटीएम बेसिस में। सो आई फील कि स्टॉक को लेना चाहिए। फार्मा स्टॉक्स वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग स्टेक है करीब 75% की और ये लेवल्स पे ये स्टॉक आप लेते हैं तो मेरे हिसाब से आराम से 630 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले और कम से कम 6-9 महीने की अवधि।